क्वेश्चन नंबर फोर को देखो, आपसे कह रहा विच टर्म ऑफ एपी, और एपी की वैल्यू क्या है 3, 15, 27, 39, ये एक इंक्रीजिंग एपी है। तो आपसे कह रहा इस एपी की कौन सी टर्म जो है वो 132 ज़्यादा होगी अपनी 54वीं टर्म से। तो एक काम कर लेते हैं, इसका 54वां टर्म निकालो, उस 54वें टर्म में 132 जोड़ोगे तो वो टर्म मिल जाएगी जो आपको चाहिए। यही कह रहा कि कौन सी टर्म जो है वो 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं नहीं बोल रहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि कौन सी टर्म, लेट अस सपोज कि वो ए एन टर्म है, आपसे कह रखा है कि 54वीं टर्म से कितने ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। तो ए एन है लेट अस सपोज वो टर्म, तो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस एन माइनस के वन इंटू डी, और ए 54 क्या हो जाएगा, ए प्लस 53d, 53 लिखो प्रॉपर वे में 53d, और ये 132 ऐसे लिख रहेगा। देखो ए से ए कट जाएगा, एन माइनस का वन ये आपको चाहिए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आप मुझे बताओ कितना है इस सीरीज का, 15 में से 3 निकालोगे तो 12 आ जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस 12 है, तो ये 53 ऐसे रहेगा, डी की वैल्यू यहाँ भी रख दो 12। अच्छा 132 को आप तोड़ सकते हो 12 में, बिल्कुल 12 × 120, तो 12 की 11 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको 132 मिल जाएगा। ऐसा करने का फ़ायदा है, फ़ायदा ये है दोनों तरफ से आप 12 कॉमन लेके काट दो, 12 कॉमन लेके जो है ना इससे कट जाएगा, तो n माइनस का 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 53 + 11, और 53 + 11 होते हैं 64, तो n माइनस का 1 आ गया 64, मतलब n इज इक्वल टू आ जाएगा उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 65। तो 65वीं टर्म जो होगी ना वही इसका आंसर है, 65वीं टर्म जो होगी वो 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो इसी वे में आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। बस यार बने रहो, सपोर्ट करो।